Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है, जबकि उनके बेटे जो कि विधायक हैं अब्बास अंसारी अभी चित्रकूट जेल में बंद रहे थे। इससे पहले 10 फरवरी को बिना एंट्री जेल में पत्नी निखत पानों की गिरफ्तारी के बाद विधायक अब्बास अंसारी का जेल बदलकर उनको कासगंज में भेजा गया है। पुलिस ने निखत बानो व उनके चालक को रिमांड पर लेकर 3 दिन तक पूछताछ की है और सूत्रों की माने तो पूछताछ के दौरान निखत बानो से पुलिस को कई ऐसे रहस्य जानकारी आई है जिसमें पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। निखत बानो ने पूछताछ के दौरान बड़े ही शातिराना अंदाज में जवाब दिया है। उसने हर रहस्य को छिपाने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन सवालों में उझलने पर वह बहुत कुछ उगलने पर भी मजबूर हो गई। निखत बानो के मददगार समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी SIT के साथ ही एक्सपर्ट टीमों ने उनके जवाब की बारीकियों से समझा और छानबीन शुरू की तो बाहुबली मुख्तार अंसारी और उनके बेटे अब्बास अंसारी की खिदमत में काम करने वालों का मैनेजमेंट सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि निखत बानो के मददगार के तौर पर अभी तक एक सपा पदाधिकारी का नाम उछल रहा था, लेकिन कई दौर की पूछताछ में लगभग आधा दर्जन लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें कई लोग बांदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो दोनों जिलों के मददगारों से संपर्क बनाकर शशुर माफिया मुख्तार अंसारी व पति विधायक अब्बास अंसारी से लगातार संपर्क में थी। फोन से धमकी दिलाकर करती थी वसूली। निखत बानो का जिला कारागार में पति के साथ रोजाना 3 से 4 घंटे बिना बताए बिताना सिर्फ उससे मुलाकात करना ही मकसद नहीं था, बल्कि वो अपने फोन के जरिए पति से तमाम लोगों को धमकियां भी दिलाती रही, जिसमें कुछ गवाहों को तो कई ठेकेदारों को कमीशन वसूलने के लिए कॉल किए गए। सूत्रों के माने तो ज्यादातर व्हाट्सएप और इंटरनेट कॉल की गई है। देखा जाए तो जिस तरह से बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का पेशा चलता रहा है, उसी तरह ससुर व पति के जेल जाने के बाद निखत बानो भी काम कर रहे थे, यानी कि बाहुबलियों के परिवार में आई निखत बानो भी एक शातिर की तरह लगातार लोगों से संपर्क साधती रहे और जहां पर जैसे तरीके से बात करनी थी वहां पर अब्बास के साथ जेल में मिलकर इस तरीके की अंजाम को आगे बढ़ाती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बाहुबली परिवार में किस तरीके की बहू भी सामने आई है। बाकी जो निकाह थे उनको लेकर आपकी क्या जानकारी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।